डेमू बसों को पहाड़ की लाइफलाइन कहा जाता है। महंगाई बढ़ती जा रही है और अब पहाड़ की लाइफलाइन केमू बसों का भी किराया बढ़ गया है। केमू बसों का किराया बढ़ने से यात्री परेशान है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपनी बसों का किराया बढ़ा दिया है। वहीं केमू की बसों का किराया बढ़कर हल्द्वानी से अल्मोड़ा का किराया 160 से बढ़कर 200 रुपये हो गया है। वहीं गंगोलीहाट का किराया 350 से बढ़कर 420 हुआ है। तो वहीं बात हम पिथौरागढ़ के किराए की करें तो हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का किराया 375 से बढ़कर 450 हुआ। वहीं अल्मोड़ा जा रहे यात्री नरेंद्र कुमार का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और अब किराया भी बढ़ गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ रहा है। वहीं यात्री धन सिंह मेहरा का भी कहना था कि जनता बढ़े हुए किराए से परेशान है और 40 से 50 रुपए तक के किराए में बढ़ोतरी की गई है, जिससे हमारी जेब पर असर पड़ रहा है और महंगाई की एक और मार गरीब इंसान का मनोबल तोड़ रही है। केमू के चेयरमैन सुरेश डसीला ने बताया कि राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा किराए में इजाफा करने के बाद विभिन्न रूटों के अनुसार गणना कर किराया सूची फाइनल की गई है। उन्होंने बताया कि करीब 3 साल के बाद किराए में इजाफा किया गया है, ऐसे में मोटर मालिकों को राहत महसूस होगी। इंदर कुमार बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से कि महंगाई तो बढ़ते जा रही है। महंगाई तो किराया तो बढ़ा, इससे लेकर क्या पब्लिक वो है, पब्लिक तो अपनी मनमानी करती है, पब्लिक के समझ में कुछ आता नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है करके। पहले किराया 130 रुपये था, जो आपकी 160 रुपये है, डायरेक्ट 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। लोगों की जेब में जो है असर पड़ रहा है, बोझ पड़ रहा है। जो डेली लेबर आदमी है वो कहाँ से करेगा इस किराए को पूरा। जी हाँ, ये खाद्यान्न भी हर चीज़ बढ़ गया सर, गाड़ी का किराया भी बढ़ गया, वो आम जनता की जेब से बहुत पैसा निकल रहा है। हाँ, तो बहुत महंगाई हो गई सर। जी हाँ, गरीब जनता के कहाँ से देगी सर। 120 रुपया था, अब 200 रुपया ले रहे हैं सर। पहले 140 ऐसा था सर, 120 140 था, अब 200 रुपया किराया है अलमुड़ी का, बस का किराया। छोटी गाड़ियों में तो और ज़्यादा है सर। जी हाँ, हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कोवर की रिपोर्ट।